फ्रिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर। तो न्यूटन्स लॉ जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने कई सारे फोर्सेस की बात की है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे एक नया टाइप का फोर्स होता है फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम इस नए टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ने वाले। तो आपको बता दूं कि ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू ऑल दीज फोर्सेस। तो दिस अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फोर्स, इसको और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान होता है, फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज होती है ये हम देखते हैं। तो आप एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन लो कि ये ग्राउंड है और एक ब्लॉक को आपने पुश कर दिया आगे, तो क्या होगा, इसको आपने पुश किया आगे तो ये आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। बट हम रियल लाइफ में ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे ये आगे जाता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और ये रुक जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक को हम पुश करें तो वो आगे जाता है थोड़ा और फिर रुक जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आगे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाता रहा है, नहीं, आगे जाता है, वेलोसिटी कम होती है और फिर फाइनली जीरो हो जाती है। सही। अब देखो ये जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाते हैं। तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे एमजी फोर्स लग रहा है, ठीक, ये जो ग्राउंड है ये इस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? देखो कौन कौन से फोर्स हमने पढ़े हैं चेक करो आप, टेंशन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई रस्सी है ही नहीं तो टेंशन फोर्स की कोई बात ही नहीं है। स्प्रिंग फोर्स वो भी नहीं लग सकता क्योंकि स्प्रिंग जैसी कोई चीज नहीं है, तो यानी और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, बस यही दो फोर्स लग रहे हैं। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आप देखो, ये आगे जा रहा था वेलोसिटी वी से और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते फाइनली जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक का वो पीछे की तरफ है, और अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो न्यूटन्स लॉ से इस पे इधर की तरफ कोई फोर्स भी लग रहा होगा जरूर। सही। देखो ये ब्लॉक आगे जा रहा था वेलोसिटी वी के साथ लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, कम होते तो जीरो हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन पीछे, और एक्सेलरेशन पीछे मतलब इस पे इधर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा होगा ब्लॉक पे। कौन सा फोर्स है वो, कौन सा फोर्स है वो? तो एक्चुअली यहां पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब ये आगे जा रहा है तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस फोर्स के कारण पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली लगता क्यों है उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक जो आगे जा रहा है इस सरफेस पे, तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से सपोज करो इस रीजन को आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ग्राउंड है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, वो रफ है, रफ रफ जैसा दिखाई देगा आपको, ऐसे कुछ ऐसे सरफेस दिखाई देगा इस टाइप से कुछ। ये नॉर्मली आपको देखने में बहुत स्मूथ सा दिखाई दे सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे उसमें होल्स दिखाई देंगे। वैसे ये जो ब्लॉक का सरफेस है, ये ब्लॉक का बॉटम सरफेस, वो भी माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, ठीक। तो अब जब ये ब्लॉक वेलोसिटी वी से आगे जाता है तो आप समझ सकते हो क्या होगा, ये ब्लॉक के जो होल्स हैं वो सरफेस के होल्स में फंस जाते हैं, जिसके कारण इस ब्लॉक को आगे जाने में दिक्कत होती है। तो इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से सोच रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है उसके ये छोटे छोटे गड्ढे सरफेस के गड्ढे में फंसे हुए हैं, इसलिए जब ये आगे जा रहा है वेलोसिटी वी से तो गड्ढों के कारण इसे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट्स ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस, ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब ये ब्लॉक आगे जा रहा है
तो ये सरफेस पे घिसता हुआ आगे जा रहा है, घिसता हुआ आगे जा रहा है। ऐसा फील आएगा आपको कि जब ब्लॉक आगे जा रहा है तो सरफेस पे घिसता हुआ आगे जा रहा है, तो जब ये घिसता हुआ आगे जाता है तो इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इस तरीके से कुछ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताया आप मुझे, ये ब्लॉक आगे जा रहा है विद वेलोसिटी वी, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है ऐसे, बीच में लग रहा है फ्रिक्शन, या बॉटम पे लग रहा है? किधर लग रहा है फ्रिक्शन? क्लियरली आप सोच पा रहे होंगे कि दिस इज द राइट आंसर, जो फ्रिक्शन है वो बॉटम सरफेस पे लग रहा है, बॉटम सरफेस पे। आप समझ पा रहे क्यों? क्योंकि गड्ढे जो है बॉटम के फंसे हुए हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है ब्लॉक। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्लॉक जब आगे जाता है तो उसे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी म्यू इंटू एन। ये एन क्या है यहां पे? देखो इसका एफबीडी बनाओ तो ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है ना, ये एन वही है। तो एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये क्या है? म्यू, म्यू को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये दोनों सरफेस कितने रफ हैं। तो म्यू रिप्रेजेंट्स रफनेस ऑफ द सरफेस, अगर ये दोनों सरफेस ज्यादा है रफ है, ज्यादा रफ है, तो आप सोच सकते हो कि अगर ये दोनों ज्यादा रफ हैं तो इन दोनों के गड्ढे एक दूसरे में ज्यादा फंसे होंगे, और अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे म्यू इज मोर। म्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ये दोनों ज्यादा रफ होंगे, इनके गड्ढे ज्यादा फंसे हुए होंगे। आप देख सकते हो इस इक्वेशन से, अगर म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो म्यू मोर मीन्स रफनेस इज मोर, रफनेस मोर, और रफनेस मोर तो फ्रिक्शन भी ज्यादा। उसी तरह से आप समझ सकते हो कि म्यू कम है, तो म्यू कम होने का मतलब कि रफनेस कम है, यहां पे कम गड्ढे फंसे हुए, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा। फॉर्मूला वही बोल रहा है कि अगर म्यू कम है तो फ्रिक्शन कम होगा, म्यू लेस रफनेस लेस फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस, यहां पे ज्यादा था। कैरम बोर्ड तो खेला होगा बचपन में आपने, तो ये जो पीसेज हैं कैरम बोर्ड के, ये जब कैरम बोर्ड मूव करते हैं तो वहां फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे यहां पे लगता है। तो यहां पे जनरली पाउडर छिड़का जाता है बोर्ड पे, ऐसा क्यों करते हैं? क्या होता है कि पहले कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो रफ होता है, और जो गोटी का सरफेस है वो भी रफ है, तो दोनों के गड्ढे एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, तो इसको आगे मूव करने में दिक्कत होती है। यहां पे जो म्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। जब पाउडर छिड़क देते हो तो ये जो गड्ढे थे ना, ये गड्ढे पाउडर से भर जाते हैं। वैसे गोटी के सरफेस पे भी पाउडर लग जाता है, उसके गड्ढे भी भर जाते हैं। तो अब गड्ढे क्योंकि भर गए हैं तो सॉर्ट ऑफ सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है, अब इसको आगे चलना आसान हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सरफेस के गड्ढे कम हो गए तो एक्चुअली म्यू कम हो गया है, और म्यू कम हो गया है तो अब फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगता है, फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगता है, पहले फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा था। ये सिचुएशन देखें, ये 5 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है, और म्यू भी दिया हुआ है 0.5, तो हमें बताना है यहां पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लगेगा कितना? तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन होता है, म्यू यहां पे कितना है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली 50 होगा, तो यहां से फ्रिक्शन आ जाएगा 25 N, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की फोर्स आ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 25, सही है। ये भी वैसी सिचुएशन है, ये 5 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है, वही ब्लॉक है, म्यू भी वही है, लेकिन अब कोई आदमी इस ब्लॉक को ऊपर से दबा रहा है, दबा रहा है, ध्यान देना आप, कोई आदमी इस ब्लॉक को ऊपर से दबा रहा है 10 N का फोर्स लगा। अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो बताना है। तो आप देखो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी पीछे लगेगा, कितना लगेगा क्या लगता है आपको? फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी दैट विल रिटर्न एज म्यू इंटू एन, म्यू होगा 0.5, नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? देखिए आप यहां पे नीचे 5G फोर्स लग रहा है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू 60 आ जाएगी, आप समझ रहे होंगे। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन हम 60 रख देंगे, तो फ्रॉम हियर विल गेट 30, तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 30 आ गई। तो आप देखिए यहां पे
फ्रिक्शन वैल्यू 25 आई और यहां पे फ्रिक्शन वैल्यू 30 आई, अलग आई, यहां ज्यादा आई। क्यों ज्यादा आई? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम था और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। तो नॉर्मल रिएक्शन के ज्यादा होने से फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। देखो ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई, हमने फॉर्मूले से निकाल लिया कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने से ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण फ्रिक्शन बढ़ रहा है, क्या फिजिक्स चल रही है यहां पे, हो क्या रहा है। देखें इन दोनों सिचुएशंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा होगा कि जो हमारा सरफेस है वो रफ है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रफनेस दिखेगी उसकी, और जो ब्लॉक है हमारा उसमें भी गड्ढे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि ये जब आगे जा रहा है तो इसके गड्ढे इसमें फंस गए हैं, और जब गड्ढे फंसे हुए इसी कारण इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक बात है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपने ब्लॉक को ऊपर से दबा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन से। तो यहां पे अगर हम ब्लॉक को ऊपर से दबा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो क्या होगा, आप सोच के देखो गड्ढों के साथ क्या होगा। अगर आप ब्लॉक को दबा दोगे ना नीचे तो ज्यादा गड्ढे फंस जाएंगे ना आपस में, सोच के देखो। अगर आपने ब्लॉक को ऊपर से दबा दिया तो इन दोनों गड्ढे ज्यादा एक दूसरे में फंस जाएंगे, अगर वो ज्यादा फंस जाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, वही हो रहा है यहां पे, इसलिए हमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। आपको समझ में आई मेरी बात? जब आप ब्लॉक को ऊपर से दबा रहे हो ना तो ये गड्ढे ज्यादा फंस रहे हैं आपस में, और ये आपस में ज्यादा फंस रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक 10 kg का ब्लॉक है, उस पर एंगल पे आप देख सकते हो ऐसा एक फोर्स लग रहा है, ब्लॉक और सरफेस के बीच का म्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्लॉक मूव्स अहेड, ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है ये हमें बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं बिल्कुल वही लगाने हैं यहां पे। तो सबसे पहले आप यहां पे एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी बनाओगे तो सबसे नीचे 10G फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और क्योंकि ये आगे जा रहा है तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन होगी, ठीक। और ये जो फोर्स है आप समझ रहे होंगे कि इसको कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इस तरीके से और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 100 cos 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, और ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 100 sin 37 डिग्री, सही। तो ये कॉम्पोनेंट कर लिया हमने फोर्स। अब क्या करें, जैसा न्यूटन्स लॉ में करते थे, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में आओ, देखो ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन तो आगे की तरफ है, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, बहुत क्लियर है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं एन प्लस 100 साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 10G, ठीक। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, दैट सिंपल, 100 cos 37 डिग्री माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन, म्यू इज 0.4, माइनस 0.4 एन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आ गए, आप देखेंगे तो वेरिएबल्स भी दो है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हम सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। ये आदमी स्कीइंग कर रहा है, आप देख सकते हो इस स्लोप पे नीचे जा रहा है, स्लोप का एंगल दिया हुआ है, यहां का म्यू म्यू दिया हुआ है 0.1। तो क्वेश्चन इज फाइंड एम, दैट इज मास ऑफ द मैन, फाइंड एम इफ मैन स्लाइस डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो आदमी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें बताना इसका मास क्या है। तो कुछ नहीं, बस आप इसका एफबीडी बनाओ, तो इसके एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये आगे जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज म्यू इनटू एन, सही। और एक एमजी फोर्स भी नीचे लगेगा, उस एमजी फोर्स को आप कॉम्पोनेंट करके देखोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, वो आप करके देखना, दिस विल बी एमजी कॉस 37 डिग्री एंड दिस विल बी एमजी साइन 37 डिग्री, सही बात है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज जीरो, और अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एमजी कॉस 37 डिग्री,
इस डायरेक्शन में इक्वेशन बन जाएगी एम जी साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू पॉइंट वन दिया हुआ है, पॉइंट वन इंटू एन, सही है। तो दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास, आप देख सकते हो, और वेरिएबल भी काउंट कर लो, तो एन एक वेरिएबल है और एम एक वेरिएबल है, ठीक है, और तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये आदमी जो है वो स्कीइंग कर रहा है इस माउंटेन पे, जिसका एंगल भी दिया हुआ है, आदमी का मास है 60 kg, और ये जो आदमी है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नीचे जा रहा है। तो आपको बताना म्यू कितना है यहां पे, आदमी और आइस के बीच का म्यू कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, एबडी बनाया आप इसका, एबडी बनाओगे क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, इस पे इधर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट विल बी म्यू इनटू एन, और म्यू तो हमें निकालना ही है, तो हमें पता नहीं है, म्यू इनटू एन, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे एमजी फोर्स नीचे लगेगा, तो उसका आप कॉम्पोनेंट करके देखना, तो कॉम्पोनेंट करने में आप अभी तक तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो एक कॉम्पोनेंट ऐसे आएगा और एक कॉम्पोनेंट ऐसे आएगा, ये वाला जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा वो एम जी कॉस 37 डिग्री आएगा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट विल बी एम जी साइन 37 डिग्री, ऐसा कुछ, ठीक। अब देखो क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सीलेशन क्या होगा, जीरो, और अगर एक्सीलेशन जीरो है तो इस ऑब्जेक्ट पे, इस आदमी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो और इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास एम जी कॉस 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे तो विल गेट म्यू इंटू एन इज टू एम जी साइन 37 डिग्री, ये दो इक्वेशन आ गए। तो अब देखो यहां से आ जाएगा म्यू एन की जगह पे हम रख देंगे एम जी कॉस 37 डिग्री, दिस विल बिकॉज टू एम जी साइन 37 डिग्री, एम जी और एम जी कैंसिल हो गया, यहां से विल गेट म्यू इक्वल्स टू टैन ऑफ 37 डिग्री, दैट इज 3/4, दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया सॉल्व। तो आप देख सकते हैं जैसा न्यूटन्स लॉ में एफबीडी बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे हम, वैसे यहां पर भी सॉल्व करना होता है। एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन देखें, ये ब्लॉक है मास एम का, ये आगे जा रहा है वेलोसिटी वी के साथ, इसी ब्लॉक को हमने ओरिएंटेशन चेंज करके रखा है सरफेस पे, और अब ये वेलोसिटी वी के साथ आगे जा रहा है, तो इसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। आपको यह सोचना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा या ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, सोचिए आप। द आंसर इज कि ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन दोनों सेम होंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। अब मैथमेटिकली देख सकते हो, देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू दैट विल बी म्यू इंटू एन, ठीक, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट और वही सरफेस यहां पर भी है और वही ऑब्जेक्ट वही सरफेस यहां पर भी है, तो म्यू दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम। नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस पे नीचे एमजी फोर्स लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली एमजी के बराबर होगा। इस केस में वही एमजी फोर्स लगेगा क्योंकि मास तो वही रहेगा ब्लॉक का, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एमजी आ रहा है, दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, सेम, तो नॉर्मल रिएक्शन भी सेम है, म्यू सेम है दोनों केस में, नॉर्मल रिएक्शन सेम है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी दोनों केस में सेम ही होगा, आप देख सकते हो, ठीक। बट जनरली लोगों को यहां पे डाउट आता है, लोगों को लगता है कि यहां पे देखो गड्ढे होंगे, ठीक है, इस ब्लॉक में गड्ढे होंगे, यहां पर भी गड्ढे होंगे और नीचे सरफेस के भी गड्ढे होंगे क्योंकि वो भी रफ है, तो क्योंकि यहां पे ज्यादा गड्ढे फंसे होंगे, ज्यादा गड्ढे फंसे होंगे, तो लोगों को लगता है कि यहां फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, यहां पे कम गड्ढे फंसे हुए होंगे इसलिए लोगों को लगता है कि यहां फ्रिक्शन कम होना चाहिए। देखो आप लॉजिक समझना, यहां पे कम गड्ढे फंसे हुए तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहां फ्रिक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां पे ज्यादा गड्ढे फंसे हुए इसलिए यहां पे लोगों को लगता है कि ज्यादा फ्रिक्शन होगा, यहां पे कम गड्ढे फंसे हुए तो लोगों को लगता है कम फ्रिक्शन होगा, लेकिन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि फ्रिक्शन एक्चुअली सेम है, तो क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है क्या, पे कम गड्ढे जरूर फंसे हुए लेकिन वो ज्यादा अच्छे से फंसे हुए, अब ध्यान दो आपको ऐसे फील आएगी कि यहां कम गड्ढे जरूर फंसे हुए बट वो ज्यादा टाइटली फंसे हुए, यहां पे ज्यादा गड्ढे जरूर फंसे हुए लेकिन वो उतने टाइटली नहीं फंसे हुए,
आप समझ रहे हो बात। तो यहां पे भले कम गट्टे फंसे हों लेकिन वो बहुत टाइटली फंसे हुए, इसलिए जो फ्रिक्शन इस केस में है एफ, वही फ्रिक्शन इस केस में भी है, सेम, दोनों फ्रिक्शन सेम है। ये फिजिकल एक्सप्लेनेशन उसका। तो फाइनली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। यहां पे कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है और यहां पे कॉन्टैक्ट एरिया कम है, तब भी फ्रिक्शन दोनों के इसमें सेम है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। लेट्स डू दिस एग्जाम्पल, दिस ए गुड वन एंड कॉन्सेप्चुअल वन। आज सपोज करो ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो दो सरफेस को टच कर रहा है, एक बॉटम सरफेस को और एक साइड वाले सरफेस को, ठीक है। बॉटम सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और ये साइड वाला जो सरफेस है उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है आपको, इस पे दो फोर्स लगाए जा रहे हैं आप देखो, एक F1, एक F1 फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक दूसरा फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। दो फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से। तो F1 की वैल्यू आप ले लो कुछ 500 न्यूटन है और F2 की वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक। तो एक आदमी इधर इसको वॉल के अगेंस्ट पुश कर रहा है F2 फोर्स लगा के और एक आदमी F1 फोर्स लगा के इसको आगे ले जा रहा है, ठीक। क्या होगा यहां पे? क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो थोड़ी 3D सिचुएशन है, आप इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे। तो ये FBD होगा, अब देखो F1 F2 फोर्स तो लग ही रहे हैं, नीचे MG फोर्स लगेगा, MG, ठीक है। फिर दो कॉन्टैक्ट है इसलिए दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे। बॉटम में कॉन्टैक्ट है ब्लॉक का, तो बॉटम से आप देखो ये ब्लू वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। पीछे वाले वॉल के साथ कॉन्टैक्ट है तो पीछे वाला वॉल भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N2 लगा रहा है, सही है। तो ये फोर्सेस लगेंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात। देखो नीचे MG फोर्स तो लगेगा ही, जो बॉटम वाला सरफेस है उससे इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगेगा, पीछे वाला जो सरफेस है उससे कॉन्टैक्ट फोर्स इधर की तरफ लगेगा N2, सही है। हालांकि अभी FBD कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा आगे की तरफ, तो इसे पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, तो वो भी बनाना है हमें। सो अब देखो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फ्रिक्शन फोर्स ही है, अब ध्यान दो, दो फ्रिक्शन फोर्स लगाए मैंने, दो फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? देखो ये जो ब्लॉक है घिसता हुआ आगे जाएगा, ये आगे की तरफ जब जाएगा तो ये घिसेगा, दोनों सरफेस पे घिसेगा। कौन दोनों सरफेस पे? बॉटम पे घिसता हुआ जाएगा, सोचो आप, इसलिए बॉटम पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया है। और इस साइड वॉल पे भी घिसता हुआ आगे जाएगा, साइड वॉल पे भी घिसता हुआ आगे जाएगा, इसलिए साइड वॉल से भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर व्हिच आई वांट टू टीच यू। इस केस में ये जब ब्लॉक घिसता हुआ जाएगा तो ये बॉटम सरफेस भी घिस रहा है और साइड वाले सरफेस भी घिस रहा है, थोड़ा फील आ रही होगी आपको। तो दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, दोनों पे फ्रिक्शन, समझ रहा मेरी बात, दो फ्रिक्शन लगेंगे। ये जो फ्रिक्शन F1 होगा दैट विल बी यहां का म्यू, यहां का म्यू दैट इज 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1। मैंने आप यहां पे जो फ्रिक्शन लिखेंगे वो यहां का म्यू, यहां का म्यू दिया हुआ देखो 0.1 और इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N2। दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसमें कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लिया जा रहा है। जब इस सरफेस का फ्रिक्शन हम देख रहे हैं बॉटम सरफेस का, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बॉटम सरफेस का लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी बॉटम सरफेस का लेंगे। जब फ्रिक्शन इस साइड वाले सरफेस का ले रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी साइड वाले सरफेस का लेंगे, समझ रहे हो आप बात। तो ये दो फ्रिक्शन यहां पे ऐसे लगेंगे। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N1 इज इक्वल टू MG, MG इज 50, ठीक है इस डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है ध्यान दें आप, ये डायरेक्शन जो है इसमें भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ध्यान दें 3D है ये, तो वहां से आ जाएगा हमारे पास N2 इक्वल टू F2 एंड F2 इज गिवन एज 100, ठीक। तो इसके हेल्प से ये फ्रिक्शंस भी निकल जाएंगे, आप देखो N2 आ गया है 100, तो आ जाएगा 10, N1 आ गया है 50, तो ये भी आ जाएगा 10, दोनों फ्रिक्शन 10 आ गए। अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी F1 माइनस F2, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
F1 is 500 माइनस F1 दैट इज 10, F2 दैट इज 10, मास दैट इज 5 इंटू एक्सलेशन. तो आप देखो यहां से एक्सलेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, दैट इज 480 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सलेशन. ठीक, तो यहां फ्रिक्शन पे दो जगह लगना इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि दो जगह पे घिसन हो रही है, रबिंग हो रही है, और इस फ्रिक्शन का इस नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड होना, और इस फ्रिक्शन का इस नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड होना इंपॉर्टेंट है. लेट्स डू दिस कंसेप्चुअल एग्जांपल. ये ब्लॉक है, एक आदमी इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, इस तरह से एंगल पे फोर्स लगा के, और ये आदमी उसको पुल कर रहा है आगे की तरफ. तो हमें यह सोचना है कि कौन से केस में ब्लॉक को मूव करवाना आसान होगा, जब पुश कर रहे हैं तब या जब पुल कर रहे हैं तब, कौन से केस में ब्लॉक को मूव करवाना आसान होगा. तो सपोज करो यहां पे अगर हम एफबीडी बनाए इसका, तो क्विकली तो इस पे नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, यहां से जो फोर्स लगाया जा रहा है, यहां से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ होगा. सही बात है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये इस कॉम्पोनेंट को हम बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा, और इस कॉम्पोनेंट को हम बोल पाएंगे एफ साइन थीटा. सही है. और क्योंकि हम ब्लॉक को आगे पुश कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा, ये इसका एफबीडी हो गया. इस केस में अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो वंस अगेन एमजी फोर्स नीचे लगेगा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर जो हम फोर्स लगाएंगे उसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट. अगर ये एंगल थीटा है तो दिस कॉम्पोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा एंड द वर्टिकल कॉम्पोनेंट विल बी एफ साइन थीटा. और क्योंकि हम इसको आगे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे पीछे होगा. सही है. इस केस में आप वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखो, वर्टिकल डायरेक्शन की. तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखो, यू विल हैव एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. ध्यान देना आप, एन ऊपर लग रहा है, एफ साइन थीटा नीचे, एम जी नीचे, तो एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. इस केस में आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी. देखो इस केस में एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस. इसमें नीचे लग रहा है एफ साइन थीटा, और इसमें एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है. यहां पे आएगा एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, मतलब यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा. सही बात है. अब देखो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू इंटू एन, और इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी होगा म्यू इंटू एन. नाउ यू कैन क्लियरली सी वॉट इज गोइंग ऑन इन बोथ द केसेस. इस केस का जो नॉर्मल रिएक्शन है अब देखो वो ज्यादा है, एम जी प्लस 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 एफ साइन थीटा. इस केस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी माइनस माइनस, मतलब कम है, कम है. तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो आप देखो फ्रिक्शन जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा. इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम है तो फ्रिक्शन भी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक, तो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब आप इसको एंगल पे नीचे दबाते हुए पुश कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो, जिसके कारण फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है. इस केस में जब आप पुल कर रहे हो, पुल कर रहे हो ऐसे एंगल पे, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहे हो जिससे फ्रिक्शन भी कम हो रहा है. अब क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन कम लग रहा है, फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो इसको पुल करना इजी होगा, इजियर. और क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, तो इसको पुश करना टफर होगा, टफर. दिस इज वॉज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ऐसा एक्चुअली में होता है, आप ट्राई करके देख सकते हो रियल लाइफ में. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे. नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, पीछे फ्रिक्शन. अब आपसे पूछा जा रहा है, सपोज करो कि वॉट इज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड. वॉट इज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, क्या आंसर होगा आपका. क्या आप बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन या फिर आप बोलेंगे फ्रिक्शन, क्या होगा आपका आंसर. ध्यान दो आप, ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ब्लॉक पे जो लग रहा है वो कौन लगा रहा है, वो ये ग्राउंड लगा रहा है. ग्राउंड, ग्राउंड इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है. ये फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे कौन लगा रहा है, वो भी ग्राउंड ही लगा रहा है. ध्यान दें, ये फ्रिक्शन फोर्स लगाने वाला भी ग्राउंड ही है. जब ये ब्लॉक घिसता हुआ आगे जा रहा है